बहुत ही सुंदर जगह है, आते ही हमारा मन बहुत खुश हो गया। बट आप देख रहे हैं जैसे यहाँ पे कितनी गंदगी है, सरकार को यहाँ पे कुछ करना चाहिए और यहाँ पे सफाई करनी चाहिए, क्योंकि इतनी सुंदर प्लेस को अगर आप ऐसे सड़ाओगे और कूड़ा कचरा फेंकोगे तो ये बहुत गलत बात है। पर अगर इतनी दिक्कतों के बाद भी हमारी गंगा जी इतनी पवित्र है तो वो माता स्वरूप है और उसकी हमें कदर करनी चाहिए और हमें पानी को गंदा नहीं करना चाहिए, ना ही पानी के किनारे कुछ ऐसा कूड़ा फेंकना चाहिए। और इसके अलावा हमें यहाँ पे बहुत मज़ा आ रहा था, तूफान का मौसम हो रहा था और फिर हमने सोचा कि हम इसमें जाके देखें, पर हमारी जाने की हिम्मत ही नहीं क्योंकि हमें इतनी ठंड हो रही थी गाइस। और उसके अलावा बिल्कुल भी धूप नहीं, तूफान का मौसम हो रहा था और जैसे कि आप देख सकते हैं आप इतने सारे नंगे पुंगे लोग घूम रहे हैं और ये है हमारे ब्लॉग मेट्स। और पता नहीं इन लोगों को ठंड नहीं लग रही क्या, इतनी तेज़ हवा चल रही थी ना उस टाइम और मौसम इतना ऐसा ख़राब टाइप से हो गया था कि समझना बिल्कुल मुश्किल था। जैसे कि आप देख सकते हैं कितनी हवा चल रही है और कितना ठंडा ठंडा पानी है, सब कुछ बहुत ही अच्छा है। वैसे गंगा के किनारे रहने का मज़ा ही अपना कुछ और है, यहाँ पर सभी देवी देवताएं वास करती हैं मंदिर में और यहाँ पर जो है हम गंगा जी के पास खड़े होकर आरती करते हैं, पूजा करते हैं। और यहाँ पर देखिएगा आप, हम लोग यहाँ जाकर अंदर नहाने की कोशिश कर रहे थे लेकिन क्या हुआ कि पानी इतना ठंडा था हम पानी में पैर देते ही पीछे हट गए क्योंकि हमको बहुत ठंड लग रही थी। और जैसे कि आप देख सकते हैं मौसम इतना ख़राब है कि लहरें इतनी तेज़ हो चुकी हैं लेकिन फिर भी हम हिम्मत करके पानी ले रहे हैं, एक बोतल में कलेक्ट कर रहे हैं यहाँ का पानी ताकि हम इसे यूज़ कर सकें अपने घर के किसी हवन में। और गंगा जल बहुत ही पवित्र होता है गाइस, जैसे आप अपने घर का शुद्धिकरण कर सकते हैं, कोई भी नज़र टोटका वगैरह इसके सामने सब कुछ फेर है। तो हम सजेस्ट करेंगे कि अगर आप यहाँ पे आए तो गंगा जल जरूर लें। गंगा जी का पवित्र जल लेने से सारे पाप कष्ट दूर हो जाते हैं और उनके पाप बर्तन भी कर लेने से हमें इतना अच्छा एहसास होता है कि लगता है सारे रोगों से मुक्ति मिल गई है और जो है जो भी यहाँ पर आते हैं उनके सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। यह घूमने की बहुत अच्छी जगह है और इस जगह बहुत ज्यादा से ज्यादा मात्रा में जो है लोग आते हैं लोग और बहुत ही गंदगी भी फैलाते हैं जैसे कि आप देख रहे हैं। इस गंदगी का कुछ इलाज करना चाहिए। हमने यहाँ पे आए मतलब कि अगर हमने कुछ खाया वगैरह भी और हम यहाँ पे घूमे भी तो हमने अपना पॉलीथिन कैरी कर ली और इसमें जो भी हम लाए थे वो कूड़ा हमने कैरी किया, हमने कहीं भी गिराया नहीं। तो इससे आप लोग भी सीखे और वहाँ पे अगर आप नेक्स्ट टाइम से जाएँ तो बिल्कुल भी कचरा ना फैलाएं क्योंकि इतनी ब्यूटीफुल प्लेस को अगर आप गंदा करोगे यार तो ऐसे कैसे चलेगा। और ये तो बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है ना, आप इतना सारा पॉल्यूशन फैलाते जा रहे हो। पर ये पॉल्यूशन की वीडियो नहीं है, ब्लॉग है, तो चलते हैं आगे। यहाँ पर जो है कितना सुंदर लग रहा है, कितना अच्छा यहाँ पर खड़े होकर एहसास हो रहा है, ठंडी ठंडी धीमी धीमी बहुत ही सोनी सोनी हवा चल रही है यहाँ पर। देखिए पर ऊपर से ये डर भी लग रहा था, जो यहाँ पर पुरुष और महिलाएं खड़ी हुई थी उनको लग रहा था अगर ज़्यादा बड़ा तूफान आ गया तो शायद आंखों में कचरा मिट्टी वगैरह जा सकती है, इसलिए सभी तूफान के आते ही यहाँ से निकलने के लिए सोच ही रहे थे। और लहरें इतनी तेज़ हो चुकी थी ना और मतलब कि पहाड़ों के पास से वैसे भी इतनी ठंड रहती है, जैसे कि आप देख सकते हैं चारों ओर बस ठंडे ठंडे पहाड़ हैं, बहुत सारी हरियाली है यहाँ पे। और उसके अलावा लहरें इतनी तेज़ हो चुकी थी फिर भी लोग मान नहीं रहे थे। ये देखिए बोटिंग लाइन में कितनी भीड़ है, अभी थोड़ी देर बाद जब मौसम वेल मतलब कि ठीक हो जाएगा तब हम भी जाएंगे और बोटिंग करेंगे। देखिए हम बोटिंग करने आ चुके हैं और हमें यहाँ पर बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है, हवा बड़ी तेज़ है, मौसम बड़ा सुहाना है। हम लोग यहाँ पर पहली बार बोटिंग कर रहे हैं और थोड़ा डर भी लग रहा था क्योंकि जैसे जैसे हम जा रहे थे घबराहट भी बढ़ रही थी और अच्छा भी लग रहा था। कहीं तो गाइज अब हमारी बोटिंग हो चुकी थी और अब हमने सोचा कि हम खिंचा ले थोड़ी बहुत फोटोज, तो हम फोटो खिंचाने के लिए थोड़ा बहुत रुक गए और इसके बाद हम थोड़ा रुक के जाएंगे हरिद्वार की तरफ। तो आप रहिए रेडी। A few moments later. सो गाइज अभी हम हरिद्वार में आ चुके हैं और हम बहुत ज़्यादा टायर्ड हैं क्योंकि आते आते हमें रात हो गई और हम बहुत ज़्यादा थक चुके हैं। और यहाँ पे जैसे ही हम आए तो हमें बहुत ही अच्छा लगा क्योंकि यहाँ पे रात को भी इतना ज़्यादा मतलब कि मार्केट पूरे चलता रहता है हर टाइम और यहाँ का मार्केट एरिया बहुत सुंदर है गाइज़।
बट आधे से ज़्यादा मार्केट्स बंद होने की वजह से हम आपको मार्केट्स की इन्फॉर्मेशन ज़्यादा नहीं दे पाएंगे, पर जहाँ तक मुझे लगता है कि अगर आप यहाँ पे आएंगे तो आपको बहुत सारी नई नई चीज़ें घूमने को मिलेंगी और एक्सप्लोर करने को मिलेंगी और आपको यहाँ आकर बहुत अच्छा लगेगा। देखिए अब हम यहाँ पर हरकी पैड़ी पर बैठे हैं, आरती हमसे पहले निकल चुकी थी यहाँ की। यहाँ पर संकल्प पकड़ के हम नीचे जाकर नहा सकते हैं, लेकिन रात हो चुकी थी गाइस, हम नहीं यहाँ पर नहा पाए थे। इतना सारा पानी चल रहा है, बहुत ठंड लग रही थी हमें और मतलब बहुत ही अच्छा था, मतलब कि गर्मियों में बहुत ही ठंड का एहसास हो रहा था क्योंकि मतलब रिवर का फ्लू इतने तेज़ था और साथ में ठंडी ठंडी हवा रात को लग रही थी और इस तरीके से मतलब कि गंगा के पास बैठ के कुछ गरम गरम चाय पीने का या फिर खाने का तो सबसे मतलब कुछ मज़ा ही कुछ और है। और इसके अलावा जैसे कि आप देख सकते हैं अब हम आपको थोड़े पास से बहाव दिखाएंगे पानी का कितनी तेज़ है रात को, और हमने यहाँ से एक और बोतल भी ले ली है, ये हरिद्वार के पानी की बोतल है और हमने ऋषिकेश के पानी की बोतल भी ली थी। देखिए हम लोग यहाँ पर पानी को रखते हैं, यहाँ पर गाइस आप कभी भी आओगे, जब भी आप आओगे तभी आप यहाँ पर रात को रुकोगे तो भी यहाँ पर बहुत अच्छा लगता है, गर्मी बिल्कुल नहीं लगती है। और यहाँ पर केटली के साथ चाय वाला घूमता हुआ हमेशा नजर आएगा, सब जो परिवार बाहर से आते हैं यहाँ पर, या तो होटल में रहते हैं या फिर जिनके पास इतनी सुविधाएं नहीं हैं, वे अपनी चटाई बिछाकर गंगा के किनारे ही हरिद्वार में हरकी पैड़ी के पास लेट जाते हैं और ठंडी ठंडी हवा के पास हम ठंडे ठंडे मौसम में एक चुस्की चाय की हो जाए तो बहुत ही मज़ा आता है। और इसके अलावा जैसे कि आप देख सकते हैं बहाव बहुत ही ज़्यादा तेज़ होता जा रहा है पानी का, सामने का जो मंदिर वगैरह है कितने अच्छे दिख रहे हैं रात को घूमने आते हैं। और फिर भी मतलब कि गर्मियों में इतना ज़्यादा अच्छा लगना है और मतलब कि बहुत ही अच्छा मौसम है रात का और बिल्कुल भी ऐसे नहीं लग रहा है कि रात हो रही है, हर जगह बहुत ही अच्छी अच्छी लाइटिंग्स कर रखी हैं, सामने होटल भी हैं बहुत सारे आपके रुकने के लिए आपकी सुविधा के लिए। और ये था हमारा आज का ब्लॉग, अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और हम आपको मिलेंगे फिर से एक नए ब्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।